हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जंपिंग जून बुटीक। लेटेस्ट फैशन वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जंपिंग जून बुटीक को। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। देखिए, मैंने आज बेबी फ्रॉक बना रही हूँ बॉल गाउन टाइप की। तो मैंने ये वेलवेट का विंटर के हिसाब से मटेरियल लिया हुआ है। तो ये वेलवेट का मैंने मटेरियल लिया है 4 मीटर, और ये एक पैच लिया हुआ है इस टाइप का, और ऑर्गेंजा फैब्रिक लिया हुआ है 5 मीटर, अस्तर लिया हुआ है मैंने 4 मीटर, और इस टाइप की कमर में देने के लिए एक लैस ली हुई है मैंने, और इस कैन को लिया है 2.5 मीटर। तो देखिए, मैं इसकी कटिंग दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट का पूरा डिटेल दे देती हूँ। हम फ्रॉक की लेंथ रखेंगे 15 इंच रखेंगे, अपर बॉडी की 12 इंच रखेंगे, उसमें चेस्ट साइड रहेगा 30 इंच, जिसका हम 4th पार्ट 7.5 इंच लेंगे, और जो वेस्ट साइज है वो 26 रखेंगे, इसका 4th पार्ट 6.5 रखेंगे, प्लस इनमें मार्जिन करेंगे। बॉटम वेलवेट है, जो बॉटम में जो घेर बनाएंगे अम्ब्रेला का, उसकी लेंथ हम वेलवेट की 30 इंच रखेंगे, और जो टोटल ऑर्गेंजा समेत अस्तर की लेंथ रहेगी वो 38 इंच रहेगी, जिसमें 30 अस्तर की रखेंगे जो नीचे वाला अस्तर रहेगा, और 8 इंच ऑर्गेंजा ऐड करेंगे, इसमें मार्जिन ले के कटिंग करेंगे। ये रेडी हमको 38 मिलेगा, और ऊपर वाली बॉडी 12+38 इंच रेडी मिलेगी, टोटल 15 इंच लेंथ रहेगी। अब फ्रॉक की लेंथ को अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये मार्जिन जो आपका ये साइज़ है इसको भी आप प्लस माइनस कर सकते हैं। और नेक लाइन रहेगा हमारा फ्रंट का 4 इंच, और बैक का भी 4 इंच रखेंगे। इस तरह से मैं आपको कटिंग दिखाती हूँ। हिसाब से इस तरह से मटेरियल लिया हुआ है, ये 13 इंच मटेरियल है, 13.5 इंच, क्योंकि कटिंग में चले जाएगा और मेरे को रेडी 12 इंच मिलेगी अपर वाली बॉडी में, इसलिए। और देखिए, इस तरह से मैंने लेंथ पे लिया हुआ है मटेरियल। अब हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि पीछे साइड हमको यहाँ जिप लगाना है, इसलिए इसको जिप वाली साइड को इस तरह से रख के, और बंद वाली साइड, क्योंकि आगे में बंद रहेगा बैक साइड में, बैक साइड में जिप के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा देंगे, और फ्रंट साइड का इस तरह से हम दोनों मटेरियल को रख लेंगे, इस तरह से बहुत अच्छे से जमा लेंगे कपड़े को, और ऊपर से शोल्डर की लेंथ रखेंगे यहाँ से। ये जो फ्रंट वाला है ये हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल जिप में जाएगा, इसलिए यहाँ से हम लेंथ रखेंगे शोल्डर की 6 इंच रखेंगे, इस तरह से 6 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हमको डाउन आर्म होल के लिए 6 इंच देना है, क्योंकि 12 ईयर की बेबी के लिए बना रही हूँ, इसलिए ये 6 इंच देना पड़ेगा यहाँ से, और उनके यहाँ से 7.5 है चेस्ट, तो यहाँ से 7.5 यहाँ मार्क करेंगे, और यहाँ से कमर का लेंगे 6.5 है, तो 6.5 मार्क करेंगे, और यहाँ से मार्जिन के लिए लेंगे 1.5 इंच, 2, जितना आप रखना चाहते हैं मार्जिन का वो। मैं 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ, यहाँ से भी मार्जिन के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, और जो आर्म होल है उसकी गोलाई इस तरह से दे देंगे, और अगर आपको इस तरह से गोलाई नहीं देने आती तो यहाँ से बेबी के लिए है, इसलिए यहाँ से 1.5 इंच ऊपर लेंगे और मार्क करके गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से हमारी बेबी की अपर बॉडी की कटिंग हुक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पे मार्क है, इसको मार्क कर लेंगे, जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें ये काम आएगा, और आगे और पीछे के लिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ताकि हमें समझ आ जाए कि यहीं से हमें मार्क करना है। इस तरह से हमारी बॉडी पार्ट कटिंग हो चुकी है। कटिंग के बाद अब हम देखेंगे नेक की कटिंग। तो नेक अब हमको देना है 2.5 पे, तो नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 पे देंगे, इस तरह से मार्क करेंगे, और गोलाई आपको जितनी रखनी है उस हिसाब से रखेंगे। ये बेबी का है इसलिए मैं फ्रंट का और बैक का दोनों का 4 इंच रख रही हूँ, पीछे जिप रहेगा इसलिए 4 इंच, और इसको इस तरह से मार्क करके इसको राउंड इस तरह से स्क्वायर को बना के, उसके बाद इसको हल्का से इस तरह से राउंड देंगे, तो राउंड बहुत अच्छे से आता है। इस तरह से मैं इसका राउंड नेक बना रही हूँ, और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, अपर बॉडी की कटिंग हो चुकी है। अब देखिए, मैंने जो इसमें से मैंने मटेरियल में से 18 इंच स्लीव्स का कपड़ा निकालने के बाद, ये देखिए, यहाँ से बॉटम के लिए पूरा कपड़ा ले लिया है, और बॉटम घेरे के लिए देखो इसकी मेरे को लेंथ मिली है 32 इंच,
अप एंड डाउन करना है मैंने, पीछे का मतलब डाउन होना चाहिए, आगे का मैंने अप करना है और आगे और गेंजा लगाना है, उस हिसाब से इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस मटेरियल को मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है दो बार, ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके रख लिया है और इसकी लेंथ है जो 32 इंच है। और अब इसको हम कैसे कटिंग करेंगे, इस तरह से इस साइड और इस तरह से इस साइड, इस तरह से इसको रख देंगे कपड़े को, ये देखिए इस तरह से जमा के इसको अच्छे से इस तरह से रखेंगे। ऐसे इसकी 30 इंच हम लेंथ रखने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे कटिंग कर ली है, अब हम यहाँ से इसकी कमर की कटिंग करनी है। तो कमर इसमें 24 इंच है, तो 24 के हिसाब से हम ऊपर से 3 इंच पे मार्क करेंगे, 3 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और ये वाले पार्ट को हम ऊपर से कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए गोलाई में इसकी कटिंग हो जाएगी और ये देखो हमें बहुत अच्छे से ये घेर मिल जाएगा। ये देखिए अब हमें क्या है कि ये देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। स्लीव्स की लेंथ मैंने 18 इंच ली है और इस तरह से जो हम लोग का ऊपर नीचे मार्क है उसको मैंने मार्क कर लिया है। और 3 इंच हम इसकी गोलाई के लिए लेंगे, यहाँ से 3 इंच गैप लेंगे और उसके बाद हम यहाँ से 6.5 इंच, बेबी फ्रॉक है इसलिए यहाँ से ज़्यादा नहीं रखेंगे, आर्म होल 6.5 इंच है और इस तरह से इसको हम मिला देंगे स्लीव्स को, इस तरह से राउंड दे देंगे। और इसकी जो यहाँ से गोलाई है वो 4 इंच है, तो देखो 4 इंच यहाँ मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन रखेंगे, सेम यहाँ से भी हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे और हम इसे मिला देंगे, इस तरह से इसको मिला देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस तरह से इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमारे गाउन की लेंथ है बॉटम की वो 38 इंच है, ऊपर वाले टोटल गाउन की लेंथ है 15 इंच, जिसमें हमने अपर बॉडी की कटिंग 12 इंच पे की थी। जो नीचे वाला बेस है उसकी 38 इंच लेंथ रहेगी, 30 इंच हमने ये वाला जो वेलवेट का मटेरियल है उसकी कटिंग 13 इंच पे की है, 33030 पे की है। और उसके बाद हमें 8 इंच के रफल चाहिए, इस टाइप के रफल चाहिए 8 इंच, ताकि हम इसके नीचे जो अस्तर अटैच करेंगे वो वाले में अटैच हो सके। 38 इंच हमारी इसकी लेंथ रहेगी, तो 8 इंच इसके नीचे चाहिए, बट ये थोड़ा सा मोड़ने में चले जाएगा, ऊपर से थोड़ा मोड़ने में चले जाएगा, इसलिए हम इस रफल्स की लेंथ 11 इंच रख रहे हैं। तो 11 इंच इसकी कटिंग कर लेंगे। 11 इंच पे ये देखो ये जो मेरी ये मटेरियल है इसके टोटल 5 मीटर मैंने मटेरियल लिया है, क्योंकि इससे इसकी चुनट बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छे से घेर बनेगा, तो बेबी फ्रॉक के लिए बहुत अच्छे से लेंथ रहेगी। तो देखिए 22 इंच इसको चढ़ाई है, 44 इंच पने वाला मटेरियल है ये। तो देखिए इसको मैं सेंटर से हाफ कर दूंगी, 11 इंच हमें मिल जाएगा, तो इसकी चुनट बहुत अच्छे से आ जाएगी। 11 इंच की फ्लेयर की कटिंग कर लेंगे अच्छे से, एक इक्वल मटेरियल को बिछा के अच्छे से और इसको कटिंग कर लेंगे अच्छे से। मेरे इतना सारा रफल बन गया है 5 मीटर का, ये इससे फ्रॉक में नीचे बहुत अच्छे से इस तरह से लेयर बन जाएगी। बच्चों में फुलावट वाली फ्रॉक बहुत अच्छी लगती है, ये देखिए जिसके नीचे आएगा, ये देखिए इस तरह से। अगर आप ये अस्तर नीचे नहीं लगाना चाहते बच्चों पे, मतलब अलग से कैन, तो आप इस तरह से इसमें भी अटैच कर सकते हैं इसको, रफल्स को इस तरह से इसमें अटैच कर सकते हैं। मैंने नीचे अस्तर लगाना है, अस्तर के ऊपर इसको लगाऊंगी और उसके अंदर मुझे कैन लगाना है ताकि ये पार्टी वेयर अच्छी से ड्रेस बन सके। सेम उसी तरह से हम मैंने मटेरियल रखा है, बट इसकी लेंथ हमको 28 इंच चाहिए, क्योंकि ये अंदर थोड़ा ऊपर रहेगा उसके बाद नीचे रफल्स दिखेंगी। ऊपर से क्या है कि अगर हम 30 इंच लेंथ रहेंगे तो वो सिलाई से दोनों इक्वल दिखेंगे और हमें जो नीचे वाला अस्तर वो दिखने लगेगा, इसलिए इसकी लेंथ 2 इंच कम रखेंगे। तो देखिए ये 28 इंच है, इस तरह से हमने अस्तर की कटिंग कर ली है फ्रॉक के हिसाब से, ये देखो पूरी। और उसमें अब हम स्टिचिंग देखते हैं, तो देखिए ये जो फ्रंट वाला है इसमें हम लोग बकरम, क्योंकि ऑलरेडी वेलवेट का है, बकरम डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इसमें इस तरह से इसकी स्टिचिंग लगा लेंगे दोनों गले में, और इस तरह से इसमें भी स्टिचिंग लगा लेंगे, इस तरह से उल्टा के इसको, और ये वाले मटेरियल को इस तरह से रख के
जो हम लोग इंटरलॉक की जरूरत ना पड़े, इस तरह से यहाँ पे भी स्टिचिंग लगा लेंगे और नेक में इस साइड से इधर साइड स्टिचिंग लगा लेते हैं। जो आइए को इस तरह से सिलाई लगा के उल्टा लिया है, देखो कितनी अच्छे से फिनिशिंग आ चुकी है। अब क्या करेंगे हम, देखो इस साइड से ऊपर से सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से, और पीछे हम जिप अटैच करेंगे इधर। मैंने जिप अटैच करना आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ है 2-3 तरीके से, आप उसको जाके देख सकते हैं। ये देखिए, इसको इस तरह से अटैच करने के बाद हम यहाँ पर इसमें जिप अटैच कर देंगे और यहाँ से इसको हम अंदर से लॉक कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ से इसकी स्लीव्स को अटैच कर देंगे। दोनों साइड इस तरह से स्लीव्स अटैच कर देंगे। देखिए हमने कितने अच्छे से बॉडी रेडी कर ली है इसमें अस्तर लगा के, और साइड स्लीव्स सिलाई लगा ली है। हम इस पैच को लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से हैंड से लगेगा ये पैच, और ये देखो ऊपर वाली बॉडी हमारी रेडी है। अब हमें क्या, बॉटम का यहाँ पर घेरा रेडी करना है। उसके लिए आप चाहो तो बॉक्स प्लेट्स भी लगा सकते हो और बड़ी बड़ी प्लेट्स भी लगा सकते हो। इस तरह से बड़ी बड़ी बॉक्स प्लेट्स लगा सकते हो, और या फिर इस तरह से आप ऐसे प्लेट्स, जैसे आपको अच्छा लगता है आप वैसे प्लेट्स लगा सकते हैं। मैं इसमें इस तरह से प्लेट्स लगाऊंगी चौड़ी चौड़ी, तो मैं इसे प्लेट्स लगा के रेडी कर लेती हूँ प्लेट्स डाल के। ये देखो इस तरह से मैंने प्लेट्स डाली थी, जो मैंने को आपको बताया था 5 मीटर का है, उसमें पूरी प्लेट्स बना ली है इस टाइप से 11, और इस पर प्लेट लगा के जो नीचे घेरा है घेर में जोड़ दिया है मैंने। ये देखिए इस तरह से इसमें अटैच कर दिया है। देखो कितनी अच्छे से फ्रिल आ चुकी है। ये देखिए ये नीचे के लिए है, और ये नीचे अस्तर में अटैच किया है मैंने। अब हम ये कैन को मैंने ऐसे प्लेट्स लगा ली है इस तरह से, ये देखिए इसे घेरे के बराबर कैन ली है मैंने, 2.5 मीटर कैन थी। तो ये देखिए हमें इस तरह से कैन इसके बराबर लगानी है ताकि नीचे से थोड़ा सा ऊपर उठ सके। तो यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे यहाँ से, तो इसमें अटैच डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें मटेरियल लगेगा। तो इतना ऊपर करना है हमको, 3-4 इंच ऊपर करेंगे ताकि ये वाली कैन नीचे ना दिखाई दे। तो यहाँ से हमको अटैच करना है इस घेरे के बराबर। मैंने इस कैन को फोल्ड कर लिया है, अब यहाँ से हमको मटेरियल अटैच करना है। वो इस तरह से मैं उसको लूँगी, ये देखिए, और इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। ये देखिए जो कैन है कैन, ताकि इसके अंदर आ सके बहुत अच्छे से, ताकि बच्चे को ना गड़े, और जैसे लहंगे में रहती है ना लहंगे में, उस तरह से पूरा कवर्ड हो जाए। देखिए इस तरह से मैं कैन में इस मटेरियल को अटैच करूंगी इस तरह से। ये देखिए कैन इसके अंदर रहेगी इस तरह से, ये इस तरह से कैन अंदर रहेगी। मेरे को ऊपर से यहाँ से स्टिचिंग करनी है, ये देखिए यहाँ से इसके साथ अटैच करेंगे हम यहाँ से। तो देखिए हमारी कैन नहीं दिखाई देगी बाहर, सिर्फ फ्लावट रहेगी, कैन बाहर दिखाई नहीं देगी। ये देखो कितने अच्छे से मैंने कैन अंदर डाल दी है इसके दोनों साइड से, देखिए फोल्ड करके कितने अच्छे से कपड़ा हमारा हो गया, क्योंकि ताकि बच्चों को ये गड़े ना। तो अब देखिए हम इसके जो इस तरह से हमने जो घेर बनाया था उसके इस तरह से काउंटर पे सिलाई देंगे, उसके साथ अटैच करेंगे, और उसके बाद बीच से इसको सिलाई करते हुए पूरा मिला देंगे। जैसे ये घेर है इस पर ऊपर से छोड़ के, और ये देखिए इस तरह से बीच से इसकी सिलाई कर देंगे, ताकि देखो यहाँ से हमारा इतना इतना छूटे। नीचे पीको होगा तो आधा इंच दब जाएगा, तो इतना सा बचेगा, कैन नीचे से दिखना नहीं चाहिए, इसलिए इसे साइड से इस तरह से सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आएंगे, जिसमें जहाँ तक सिलाई आएगी, यहाँ तक सिलाई आई है हमारी, तो यहीं से सेंटर को रखते हुए और पूरा इसको चारों तरफ से घेर लगा लेंगे सिलाई ऊपर की, इसको भी ऊपर से घेर ऊपर से यहाँ से अटैच कर देंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से अटैच करके हमारा घेर बन गया है। मैंने ऊपर से यहाँ से देखो दोनों को अटैच कर दिया है मटेरियल को, और नीचे ये देखो ये मटेरियल है, और इसमें हमारी कैन कितने अच्छे से पूरी फिनिशिंग से लग चुकी है। और इसमें हम पीको करेंगे, इसमें भी हम ऊपर वाले में इसमें भी पीको करेंगे ऊपर में इसमें, और अब देखिए इसको हम बॉडी से अटैच कर देंगे अपर बॉडी से। तो अपर बॉडी से अटैच करने के लिए हमें दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। ये देखो घेरा और इसी सिलाई का, तो ये देखो मेरा इक्वल है। अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे, और इस तरह से जो मैंने पैच लगाया हुआ था
और उसके बाद मैं इसमें बैक साइड में बो लगाऊंगी। देखो मैंने बो बनाने की शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। मैं बैक साइड इसमें बो लगाऊंगी, तो इस तरह से बो रेडी कर लिया हुआ है। और जो मैंने आपको बताया था एक लैस ली हुई है इस टाइप से, जो लैस थी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद उसके हम पैचेस बना लेंगे। पैचेस बनाने के बाद हम इस फ्रॉक के ऊपर ग्लू की हेल्प से इस तरह से इसको हम लगा लेंगे। जो ग्लू आती है, फैब्रिक ग्लू आता है, उससे हम इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी कितने अच्छे से पार्टी वेयर विंटर गाउन रेडी हो चुकी है। देखिए बहुत अच्छे से एकदम, ये देखिए। अगर आपको मेरे चैनल और वीडियोस पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से एक हैवी गाउन रेडी हो चुकी है, ये देखिए कितने अच्छे से। सिर्फ हमें इस तरह से इसको बीच से सिलाई लगाना है और नीचे बॉटम में पीको करना है। बाय बाय।